राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं बिल्कुल बढ़िया कर रहे हैं। मोदी जी तो राष्ट्र का स्वर्ग बना रहे हैं, राष्ट्र को स्वर्ग। क्या स्वर्ग बनाया? 8 साल 5 साल पहले ना गैस का दाम पूछिए, नमक का दाम पूछिए, दूध का दाम पूछिए। इसीलिए नौकरी नौकरी मोदी जी कह रहे हैं, नौकर मत बनो, मालिक बनो। कांग्रेस सरकार में जो घोटाले हुए वो अभी तक उनकी भरपाई नहीं कर पाई। उस यात्रा में आप देखोगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारी बिरादरी मिली हुई है। साल 2023 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 2023 कई मायनों में अहम होने वाला है। इससे पहले हम बीमारियों से जूझ रहे थे, चुनौतियों से जूझ रहे थे, लेकिन ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि ये जो साल आएगा ये कुछ ना कुछ फायदा लेकर आएगा। ऐसे में 3 जनवरी से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फिर से प्रारंभ हो गई है, और जब यात्रा प्रारंभ हुई है तो सवाल भी उठते जा रहे हैं। सवाल ऐसे हैं कि क्या भारत जोड़ो यात्रा जो है राहुल गांधी की, वो बस इसलिए की जा रही है कि हाँ कम से कम 2024 के चुनावी बिगुल में कांग्रेस जो अभी अंदर से टूटी हुई है उसके अंदर एक जान आ जाए। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो बात करेंगे। उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है गौरव झा, सहयोग कर रहे प्रदीप, और आप देख रहे हैं भैया जी गजब। भैया नाम बताइए। विशाल। विशाल जी क्या लगता है राहुल गांधी क्यों यात्रा कर रहे हैं? राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं बिल्कुल बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा, उससे उस यात्रा में आप देखोगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारी बिरादरी मिली हुई है, और भीड़ देखने को आप देख सकते हो। आज ही दिल्ली में प्रवेश करा है, बाबरपुर मौजपुर से लेके लोनी बॉर्डर तक गए हैं, तो जम कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक जाना कोई आम बात नहीं है। और डेली 25 क्या परेशान कर रहे हैं? हाँ, परेशान नहीं कर रहे दिल्ली की पब्लिक और ये जनता को ऐसी सर्दी में, वो परेशान नहीं कर रहे। और क्या कर रहे हैं आप बताओ मुझे? मोदी क्या कर रहा है? मोदी जी तो राष्ट्र का स्वर्ग बना रहे, राष्ट्र को स्वर्ग। क्या स्वर्ग बनाया? क्या आप वल्लभ भाई पटेल का नाम बदल के मोदी रख दिया, इस क्या स्वर्ग बनेगा? क्या स्वर्ग जो बनेगा आप सोच भी नहीं सकते भाई साहब। आपका क्या स्वर्ग बना अभी तक बताओ? कितना स्वर्ग है? क्या करा है मोदी ने? मोदी जी ने जो करा ना आप सोच भी नहीं सकते हो। क्या करा है आप बताओ तो। मैं आपसे कह रहा हूँ, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, महंगाई है। क्या करा है मैं बताता हूँ। मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। मेरे गोरखपुर में 40,000 कर्मचारियों का खाद का कारखाना था, कांग्रेस के जमाने में बंद था। मोदी आया, मोदी ही उसका शुभारंभ किया, मोदी के 5 साल के राज में ही चालू हुआ। वो 40,000 लोग जो बेरोजगार थे उसमें हजारों बच्चे इस समय काम कर रहे हैं। किसके राज में गया? उस तरह के कितने कारखाने थे? गोरखपुर, तलचर, सिंदरी, रामागुंडम, बरौनी, 5 थी कांग्रेस के जमाने में बंद हुई, 5 चालू हो गई। सुनिए दूसरा। हाँ जी, गोरखपुर सुन तो सुन, इनकी कंप्लीट होने दीजिए, आप बता दीजिएगा। आप कहिएगा हमको, सुन लीजिए। आपने पूछा क्या किए भरपूर, तो एक गिनाया, दूसरा सुन लीजिए। पूरे उत्तर प्रदेश में लोग नहीं रहते हैं, बीमार नहीं होता है कोई। गोरखपुर में मैंने अमेरिका से बड़ा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, लेकिन एक को एम्स नहीं था यूपी में। बात समझ रहे हैं ना? एक को एम्स नहीं था, ठीक ना? मोदी आया, पहली बार एम्स दिया, वो भी ले जाके बनारस नहीं दिया, गोरखपुर को दिया। क्यों? इसलिए कि वहाँ के ज्यादा मरी जाते थे। नहीं, योगी की वजह, ये आपकी गो सोच है। नहीं नहीं सुनिए, वो योगी सुनिए, अब ये कांग्रेसी सोच है। योगी की वजह से दिया, नेता के वजह से नहीं दिया। वो डाटा इकट्ठा कराया कि भारत के किस इलाके, मैंने यूपी के किस इलाके से सबसे ज्यादा मरीज दिल्ली एम्स में आते हैं। सुनिए, तो उसमें बिहार के लिए क्या करा मोदी ने, आप मेरे को ये बताओ। बेरोजगारी के लिए मोदी ने क्या करा मुझे बस बताओ, ये बताओ। नहीं कुछ करा, आप बताओ। बेरोजगारी के लिए मोदी ने क्या करा है? कुछ बेरोजगारी के लिए, देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है उस पर मोदी जी ने क्या करा है, ये सवाल पूछ रहे हैं। 4-4 लाख रुपए का कोर्स कर रहे हैं बच्चे, 3-4 लाख का कोर्स कर रहे हैं, उसके बाद उनपे जॉब नहीं है, उनके बाद उनपे जॉब नहीं है। वो जॉब की कहाँ है वो जॉब है, आप बताओ। सुनिए एक मिनट यार, सुनो तो। रोजगार और नौकरी में अंतर है कि दोनों एक ही है? जरा समझाइए मेरे को। क्या अंतर है? अंतर है। क्या अंतर है? तो आपने क्या पूछा, रोजगार पूछा कि नौकरी पूछा? वो कह रहे हैं मेक इन इंडिया। वो कह रहे हैं नहीं, करता हूँ। रोजगार और नौकरी में अंतर पूछ रहे हो ना, तो रोजगार किसे कहते हैं और नौकरी किसे कहते हैं आप बताइए। मैं पूछा उनसे, आप ही बताइए ना, आप बताइए। हम पूछते हैं ना, ठीक है, मुद्दे पर पहुंचते हैं, बस सवाल मेरा ये है। मैं बता रहा हूँ,
सुनिए, अब सबसे पहले इस समय सबसे पूरे देश में जी पर कैपिटा डॉक्टर होने चाहिए, जैसे मान लीजिए कि 50,000 पे एक डॉक्टर होने चाहिए, नहीं है ठीक ना, उसके लिए क्या नहीं है, क्यों नहीं है? तो वही तो बता रहे हैं यार, सुनो तो जी, बताएं। पूरे उत्तर प्रदेश में 70 साल में 14 मेडिकल कॉलेज थे, आज 40 मेडिकल कॉलेज हैं, होने तो 54 चाहिए लेकिन कंस्ट्रक्शन नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है, नहीं। आगे बताएं, सुनिए ना, दिखा दो लिखित में, नहीं है, बात सुनिए, मैं सारी बातें आपकी भी सुनूंगा, मैं आधे घंटे आपकी बात सुनिए, आप इतना सुनिए, एम्स कब से बनना चालू हुआ है, एम्स कब से, ये सवाल पूछ रहे हैं, एम्स कब से बनना चालू हुआ है, ये सवाल पूछ रहे हैं, एम्स कब से बनना शुरू हुआ है, बनना चालू हुआ है, नहीं पहले से भी बन रहा है, लेकिन जब आप वही मैं तो सुनिए, वो मैं बता रहा हूँ, 70 साल बनाम 8 साल जी, आप डाटा निकालिए, 70 साल में एम्स कितने बने, डाटा हम तुम बैठे हुए, डाटा हम निकालेंगे ना, वो क्यों निकालेंगे, हम तुम क्यों खड़े हैं फिर, ठीक है ठीक है, कितने बने बताओ ना, आप बताइए ना, 70 साल में कितने बने, हाँ गाड़ी सफेद है मेरी तो अभी, तो मैं बता रहा हूँ ना, तो आप मानेंगे नहीं ना, बताएंगे तो अपने में दिल्ली पूरी नहीं, आप सुनिए सुनिए, आप मेरी सुनिए, क्या नाम आप, नहीं नहीं नवीन, आप सुनिए, नवीन शर्मा, दिल्ली मोहम्मद अब्दुल नहीं हूँ मैं, दिल्ली दिल्ली में, मेरी बात सुनिए, मेरी बात, उसकी कोई गारंटी नहीं है, गारंटी जो पूरी बनाई है ये गारंटी तुमसे ले, शीला दीक्षित ने बनाई है, नहीं इसकी कोई, शीला दीक्षित ने पूरी दिल्ली बनाई है, जितने नक्शे बने हैं शीला दीक्षित के नाम, एक मिनट, एक बात मैं बता रहा हूँ, केजरीवाल का शासन है पिछले 8 सालों से, लेकिन लोग अब भी कांग्रेस का जो कार्यकाल है दिल्ली में उसे बेहतर मानते हैं, शीला दीक्षित का कार्यकाल, ये एक पब्लिक ओपिनियन की बातें बता रहा हूँ, ये किसी का पक्ष रखने की बात नहीं है, लेकिन हाँ जब आप यूपी राज्य में पहुँचते हैं तो वहाँ योगी का मॉडल देखा जाता है, जब आप गुजरात में पहुँचते हैं तो वहाँ मोदी के मॉडल को देखा जाता है, मोदी को इतना ही सपोर्ट होता तो निगम पार्षद में वो बहुमत से आती आई आई निगम पार्षद, नहीं आई, केजरीवाल ने जीत लिया, जीत लिया ना, कांग्रेस तो वैसे ही ठप हो चुके, 70 साल उन्होंने राज करा, लेकिन बीजेपी क्यों नहीं आई, अगर बीजेपी काम अच्छे करे हैं तो सवाल सवाल ये है, ठीक है ठीक है ठीक है, सुनिए जी ये कह रहे हैं ना, जिस तरह से यह कह रहे हैं कि 70 साल से कांग्रेस नहीं आई, उसी तरह से 15 साल हम भी थे, सुनिए केजरीवाल ने सीट जीती है ना, उसमें सारे प्रत्याशी कांग्रेस के हैं जो उसमें गए हैं, पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, अब ऐसे ही रहे हैं यार, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, नहीं अब ऐसे ये देखिए कह रहे हैं ना, सब वही उसी में गए हैं, यही कह रहे हैं, ये नहीं है, यही कह रहे हैं ना कि मैंने कांग्रेस के सारे लोग आम आदमी पार्टी में चले गए, यही आपने कहा ना, ये मुद्दा अलग हो जाएगा, से बीजेपी में गया, नवजोत सिंह सिद्धू को जानते हो आप, नवजोत सिंह सिद्धू को जानते हो, ये मुद्दा अलग हो जाएगा, ये मुद्दा अलग हो जाएगा, सीधे मैं बात करता हूँ, मैं ये पूछ रहा, एक मिनट मेरे भाई, गवर्नमेंट कुछ भी कर ले, अगर हम यंग एज में हमारे बच्चे होने ना, हमें सिर्फ जॉब की सिक्योरिटी चाहिए, तो क्या कांग्रेस के शासनकाल में जॉब की सिक्योरिटी थी, सिक्योरिटी नहीं बट इंसान कमा रहा था, आज के टाइम में मेरी बात सुनिए, इनसे ना आज के ना 8 साल 5 साल पहले ना गैस का दाम पूछिए, नमक का दाम पूछिए, दूध का दाम पूछिए, तब आज में महंगाई तो बढ़ी है, इसमें महंगाई की बात नहीं, आप मुद्दा बदल दिए, नहीं पहले का मुद्दा क्या था, बेरोजगारी, बिल्कुल पहले सुनो सुनो, अब बोलने नहीं देंगे, सुनो तो मेरे भाई, बोल देख रहे हैं, ठीक है इन्हें बोलने देख, बोलने नहीं, मेरी उम्र क्या होगी, होगी 50 नहीं है, 50 से थोड़ा कम है, अच्छा। मैं MA हूँ, अच्छा। मुझे मेरे जमाने में इंदिरा मैंने थी, जब वो राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उसके पास से मनमोहन सिंह थे, जब हमारी उम्र थी, मुझे नौकरी नहीं मिली तो हम किसको कहने जाए, लेकिन नहीं कहते हैं हम इनके तरह से, नहीं आप आपने MA किया है, आपके बच्चे अच्छी एजुकेशन ले रहे होंगे इस टाइम पे, यस और नो, यार एजुकेशन क्यों नहीं मिला, कांग्रेस क्यों नहीं दी, नहीं लेकिन मैं किया क्या, सुनिए अब सुनो मेरे भाई, बेरोजगारी पर ही बोलूंगा, ठीक ना, मैं आया दिल्ली जी, काम सीखा जी, जल बोर्ड का जी, है ना, काम सीखा, बड़ी मेहनत किया, फिर काम सीख लिया, तो आज के डेट में यहाँ खड़ा हूँ, और मेरा काम उत्तर प्रदेश में चल रहा है, मेरा काम मध्य प्रदेश में चल रहा है, मैं कम से कम 60-70 लड़कों को नौकरी दे रखा हूँ, अपनी कंपनी है, पानी की लाइन बिछ रही है, मैं यहाँ हूँ, मेरे लोग काम कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं,
खुद भी कमा रहा हूँ और लोगों को कमवा भी रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। ये सच्चाई है, लेकिन यह मालिक नहीं बनाएंगे। 70 साल से नौकर बनाना है, नौकर बनाना है इस देश को, जब नौकर ही बनाना। 70 साल यही सिखाई है, इसीलिए नौकरी नौकरी मोदी जी कह रहे हैं, नौकर मत बनो, मालिक बनो। नया यूनिकॉर्न खोलो, चाय पकौड़ा ही क्यों ना चल। देखिए अच्छा एक बात, हाँ चाय पकौड़ा वाला कितना कमाता है पता नहीं। सवाल ये है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये क्या है, चुनावी स्टंट है या राहुल गांधी सच में भारत के लोगों के लिए कुछ ऐसा कर? सबसे पहले तो मैं पहली बात तो ये है, और अगर राहुल गांधी जी अगर चाहे ना तो ठीक है, थोड़ी अपनी पॉलिटिक्स जो चेंज कर दे ना तो शायद बढ़ जाए ऊपर, लेकिन वो कैसे चेंज कर दे वो देखो, उनमें खुद भी मतलब खुद ही होना चाहिए कि हमें क्या क्या चीज़ें जो अगर गलत चीज़ पे अगर जाते हैं राहुल गांधी जी ने वो गलत है, क्योंकि क्या है कि अगर पॉलिटिक्स स्टैंड छोड़ दें सपोज तो कहीं एक मुद्दे तक वो बहुत बढ़िया है। मतलब आप कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स ही राहुल गांधी छोड़ दें? पॉलिटिक्स नहीं छोड़ दें, लेकिन जो अगर किसी के रिबेट पे जाते हैं, जैसे हम किसी कॉपी करते हैं, अगर राहुल गांधी किसी कॉपी करना छोड़ दें, दाढ़ी बढ़ा ली, कॉपी छोड़ दें, बाकी और बाकी चीज़ों में लेते हैं, कई गलत चीज़ें बोल देते हैं वो, अगर वो पॉलिटिक्स छोड़ दें तो बहुत बढ़िया है। एक युवा होने के नाते आपको क्या लगता है राहुल गांधी की यात्रा कैसी? राहुल गांधी जी की यात्रा बड़े स्तर पे कामयाबी हो रही है और आगे भी होती रहेगी, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि पूरे भारत स्तर में इंडिविजुअल लोग जैसे नॉन पॉलिटिकल लोग भी जुड़ रहे हैं राहुल गांधी जी के साथ में और डायरेक्ट जुड़ रहे हैं। ये नहीं कि जैसे लोग आरोप लगा रहे हैं पार्टी के लोग, विपक्ष के दूसरे पार्टी के लोग लगा रहे हैं कि वो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, ऐसा कुछ नहीं है। तीन स्टेट की बात कर रहा हूँ, बीजेपी की सरकार थी जी, दिल्ली गुजरात और हिमाचल, है ना, दो स्टेट गई ना, ये से बदलाव आप देख लो ना। दिल्ली में एमसीडी में 15 साल थी ना हास्टिली के लिए, हिमाचल में 10 साल थी, वो भी गया 5 साल थी, 10 साल पहले भी उसी की थी। हाँ, तो यहीं से बदलाव निकल गई। अब यहीं से सोच रहे हो कि उसके यात्रा में कितनी फर्क पड़ गई। अभी देखो आगे धीरे धीरे पब्लिक जाग रही है, सब कुछ हो जाएंगे। एक बैग तो कोई जो बच्चा पैदा होता है तो एक बैग भरा नहीं हो जाता है, धीरे धीरे भरा होता है ना, वैसे धीरे धीरे बदलाव पूरी आ जाएगी। चाचा भारत जोड़ो यात्रा कैसी है? भारत जोड़ो यात्रा मैं मानता हूँ ठीक है, लेकिन देखिए मैं ये इस बात से भी सहमत हूँ कि विपक्ष की मजबूत लोकतंत्र को मजबूत विपक्ष भी होना भी देश के लिए बहुत ही हितकारी है। आज विपक्ष नाम की चीज़ देश में रही नहीं है, तो मैं इससे भी नहीं मानता कि विपक्ष नहीं होना, विपक्ष भी जरूरी है जनता के हितों के लिए, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा ज़्यादा कामयाब नहीं होगी। ये क्या कांग्रेस का नेतृत्व तो राहुल गांधी के हाथ में जो है, भले ही अध्यक्ष बदल जाए तो अभी कांग्रेस सही नेतृत्व पर चल रही है, ये तरीका नहीं, सही है? नहीं नहीं, कांग्रेस ने जो पिछले काम किए वो अच्छे नहीं थे, चाहे वो भ्रष्टाचार के हों, कुछ कांग्रेस की नीतियाँ रही उनकी भरपाई कांग्रेस अभी नहीं कर पा रही है। यूरिया घोटाले हुए, मैं बहुत बहुत 15 लाख रुपए कहाँ गए, हर व्यक्ति को काला धन कहाँ गए, आप बोले थे नहीं बोले थे कि नहीं बोले थे कि काला धन हर व्यक्ति कहाँ गए? मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, हर गरीब को जी इतनी योजनाएं मिली हैं जिससे टोटल उसका लगाया जाए तो 15 लाख, देखिए ये देश की संपत्ति है और देश के लोगों को ही दी जा रही है, ऐसा नहीं है तो 15 लाख की बात हो रही, 15 लाख टोटल मिला के एक आदमी को 15 लाख तक का बना देंगे, ये सरकार की योजना थी। अच्छा मोदी ने ऐसे बोला था? नहीं हाँ नहीं, जो जो भी था बोलने से कुछ नहीं, कम से कम देश की संपत्ति है, गरीबों को मोदी खुद धन का संग्रह तो नहीं कर रहे, राष्ट्र की संपत्ति राष्ट्र के लिए गरीबों के हित के लिए है, ऐसा नहीं कि राजनेता अपनी उसमें भ्रष्टाचारी कर रहे हों, अपना कमीशन ले रहे हों, अपना घोटाला कर रहे हो। कांग्रेस सरकार में जो घोटाले हुए वो अभी तक उनकी भरपाई नहीं कर पाई। आप ये पिछली सरकार का आप सामान भेज दोगे? आप पिछली सरकार का सामान बेच दोगे क्या? नहीं, नहीं। तो क्या बेच कहाँ रहे, प्राइवेटीकरण? अरे तो क्या तो किसके लिए कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, बेच ही नहीं रहा है सरकारी जी, जो प्राइवेट प्राइवेसी है वो बिल्कुल सही है, होना ही चाहिए। सरकारी में आजकल व्यक्ति की मानसिकता इतनी बेकार बनी हुई है कि वो काम को पूरा करना ही नहीं चाहता है कभी भी। रोडवेज बस घाटे में जा रही है और एक प्राइवेट बस जिसमें दो दो कंडक्टर ड्राइवर तनख्वाह देते हैं, बस को देते हैं, टोल देते हैं, उसके बाद भी बेनिफिट में रहता है, रोडवेज घाटे में क्यों जा रही है?
इसका मतलब कोई भी आदमी सरकार के अंदर घुस जाता है वो काम नहीं करना चाहता। तो अभी हम सीपी में मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से हमारी बात चल रही थी, बात इस विषय पर चल रही थी कि भारत जोड़ो यात्रा के क्या तात्पर्य है, क्या ये राजनीति का एक एजेंडा है या फिर ये चुनावी बिगुल के अलावा एक वास्तविक चीज है जिसमें राजनेता भाग ले रहे हैं। कई लोगों ने पक्ष की तरफ से इस बात को सराहा कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, वहीं कई लोगों का मानना है कि कांग्रेस अपने 70 सालों के कुकर्म की सजा भुगत रही है। कुकर्म की बात हम नहीं कर रहे, ये जनता के मुंह से आया हुआ शब्द है। सहयोग कर रहे थे प्रदीप और मेरा नाम है गौरव झा। देखते रहिएगा भैया जी का, जब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।